हेलो गाइस, नमस्कार। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने हम एक सीरीज चलाने वाले हैं। आप लोगों को 33 रिएक्शन देंगे। उसमें से आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर में देखना है कि हर साल आप लोगों को इस तरीके की रिएक्शन देखने को मिलती हैं। ठीक है, हम देखते हैं पहले स्मित अपक्रिया के बारे में। स्मित अपक्रिया क्या हो जाती है? एसिटिक अम्ल की, किसकी? एसिटिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ जब हम अपक्रिया कराते हैं तब हमको क्या प्राप्त होता है? मेथिल एमीन प्राप्त होता है। ये तो हो गया लैंग्वेज के थ्रू। अब हम क्या करते हैं, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH, ये क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। उसके बाद हाइड्रोजोइक अम्ल की बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है? N3H। हाइड्रोजोइक अम्ल और एसिटिक अम्ल का आप लोगों को फार्मूला पता चल गया। यहां पर क्या लिखेंगे? एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? N3H। ठीक है, इस समीकरण में आप लोगों को पता चल जाएगा स्मित अपक्रिया कैसे प्रयोग की जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमारे पास कितने हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग प्रॉपर रूप से निकाल लेंगे। उसके बाद हमारे पास CH3 बचा, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। जब भी एल्किल होता है, एल्किल या तो हैलाइड लेता है या तो उसके उत्पन्न ले लेता है। तो यहां पर क्या करेंगे, CH3 क्या ले लेगा? एक N ले लेगा और हाइड्रोजन यहां पर दो बचे हुए हैं, दो हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है, इतना करने के बाद हम देखेंगे क्या हमारे पास नाइट्रोजन उतने हैं जितने अभिकारक में थे। नाइट्रोजन यहां पर 3 है, यहां पर कितना है? 1 है। अभी हमारे पास दो नाइट्रोजन बचे हुए हैं। इस तरीके से ये हमारी प्रक्रिया संपन्न हुई।